चुके कावे का काबा देखो। मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, इमाम रसूलुल्लाह आला हजरत अलैहि रहमा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हैं, जब आते हैं हजरत अस्वद के पास, और उसके बाद जब आते हैं मीज़ाब रहमत के पास, मीज़ाब रहमत, मीज़ाब ज़र जिसे परनाला भी कहा जाता है, उसके सामने एक पिलर है, उस पिलर पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पिलर के पीछे जो दरवाजा है उसका नाम है बाबे मदीना, और वहां से जो सड़क आती है वो आती है सीधा शहर मदीना। इमाम फरमाते हैं कि गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती के साथ एक
लगा है। जन्नत भी पत्थर जिसे आशिक चूमने के लिए तड़पता है, उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। हजर कहते हैं पत्थर को, अस्वद कहते हैं काले को। ये हमारे गुनाहों की स्याही को जज कर करके काला हो गया। असल नाम हजरे अबियत, अबियत कहते हैं सफेद को। ये सफेद आया था, काला हो गया हमारे गुनाहों की स्याही को जज कर करके। हजरत उमर सैयदना फारूक आलम हजरे अस्वद का बोसा लेने जाते हैं। हजरे अस्वद से सवाल करते हैं, ए हजरे अस्वद, मुझे पता है तू जन्नत से आया है, मुझे पता है तू जन्नती पत्थर है, पर मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू जन्नत से आया है। मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू जन्नत से आया है, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मदीने वाले ने चूमा है। भेजा जन्नत से तुझको खुदा। Oh,